प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक नहीं लग रहा है। हा? नहीं लग रहा है ठीक। फूला हुआ गुब्बारा जैसा पैट हो गया है। तेरा नाखून दूर रख, कहीं लग गया नाखून तो फूट जाएगा गुब्बारा। दया बस कर, पहले ही पेट में परेशानी है, अभी दिमाग को परेशान मत कर। पहले से दिमाग को तसली दी होती ना तो ये नौबत ही नहीं आती। क्या मतलब? मतलब कोमल भाभी के दोनों देवर आठ, क्या आठ एक आठ आठ दो सोलह आठ तेरी चौबीस, चौबीस ग्लास सोडा पी सकते हैं। लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना कि आपके पेट में आठ में से चार ग्लास सोडा पीने की ही जगह है। देखिए, मेरी माँ कहती है कि मेढक को उतना ही पेट फुलाना चाहिए जितना फुला सके, ज्यादा फुलाना जाएगा ना तो तकलीफ होती है। दया, दिमाग का सोडा मत कर प्लीज। देखिए देखिए, ये सोडा आपके दिमाग तक पहुँच गई है। आपने कहावत भी गलत बोली, अरे दिमाग का सोडा नहीं, दिमाग का दही होता है। वही मत कर। मतलब आप जुबान मत चलाइए, पैर चलाइए, अच्छा रहेगा। चलिए चलिए। अरे क्या कर रही है, पथरी बस दर्दी नहीं हूँ मैं, चल सकता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, आइए आइए, संभल के टेबल है, संभल के आइए, दाई घूमना। वाह, अच्छा लग रहा है ना? अरे दो कदम चलो, उसमें क्या अच्छा लग रहा है ना? मैं भी बेवकूफ हूँ। तुझे आज पता चला? कुछ नहीं। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप चलने लग गया, चलिए चलिए चलिए, आप चलिए, तब तक मैं चूरन लेकर आती हूँ, सब अच्छा हो जाएगा। हा? आती हूँ मैं। दया की बात सच है, मैं भी कहाँ, ये हाथी भाई के भाइयों के बहकावे में आ गया। उनके पेट की साइज क्या, मेरे पेट की साइज क्या, लंबा भेगो टुको जाए, मरे नहीं तो मांदो थाए। ये क्या इतना सारा चूरन? हाँ तो सोडा भी ज्यादा पी है ना? अरे मजाक कर रही हूँ, देखिए चम्मच बड़ा है, बाकी इसके अंदर की चूरन की मात्रा तो उतनी ही है जितनी आप रोज लेते हैं। तो इतना बड़ा चम्मच मैं क्यों लेके आई? बहुत पंचायत है आपको। हाँ है। अरे वो क्या है कि सभी छोटी चम्मचें धोने में रखी है ना, इसलिए जल्दी में जो भी मिला उसे लेकर आ गई। और आपको इसमें जो चूरन है वो खाने का है, इतना बड़ा चम्मच थोड़े ना खाने का। चलिए आ कीजिए। वाह प्रभु वाह, क्या बीवी दी है आपने मुझे, एकदम कॉमेडी नंबर वन। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम।
भाई। आए हो बाबा है। आई इनको क्या हुआ ये पूछ रही हूँ। अरे सर्दी खांसी जुकाम। इतनी ज्यादा खांसी कैसे हो गई? बग ना। अरे क्या हुआ सुनो, कल अब्दुल की शॉप पे सॉरी अब्दुल की शॉप पे 4-5 सोडा एक साथ पी लिया इसलिए। इतना सोडा पीने की क्या जरूरत थी बाबा? नेक्स्ट का है। अरे क्या हुआ कि हम लोग सोडा पी रहे थे ना, तभी वह हाथी भाई के दो भाई आ गए, गजराज जी और वनराज जी। तो कितना बात कर रहे हैं आप, जाइए डॉक्टर को दिखा के आइए एक बार। हाँ अरे माधवी, डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है, ये 2-3 दिन की खांसी और सर्दी है, चली जाएगी। अहो ये सर्दी खांसी आपके आज्ञाकारी स्टूडेंट्स नहीं है, जो आपके टाइम टेबल के हिसाब से चले। जाइए ना डॉक्टर, हाथी को दिखा के आइए ना एक बार। लेकिन माधवी हाथी भाई है कहाँ यहाँ पे? उनके भाइयों को दिखा के आइए ना, वो भी तो डॉक्टर है। अरे हाँ कठिन है बाबा। अरे भिड़े जी आइए आइए आइए। गुड 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 मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए। क्या हुआ भिड़े भाई, खांसी हो गई है क्या? हाँ सिर्फ खांसी नहीं डॉक्टर साहब, जुकाम की वजह से सर भी बहुत भारी हो गया है। अरे कल कुछ ज्यादा ठंडा पी लिया था क्या? अरे भूल के डॉक्टर साहब, हम लोग सोडा शॉप पे मिले थे तो काफी सारी सोडा पी ली थी ना मैंने। कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, छोटे इनका चेकअप कर ले। भैया आप भी चेकअप कीजिए ना। तू चेकअप कर ले ना। अरे भैया मैं जब भी कोई नई जगह पे चेकअप करता हूँ ना, तो कोई ना कोई गड़बड़ होती है पेशेंट के साथ। मेरा भी तो वैसे ही है। तो फिर क्या करें भैया, हमेशा की तरह टॉस कर ले। टॉस? नहीं 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 नहीं, तू हमेशा कॉइन घुमा देता है। एक काम करते हैं, हम दोनों एक साथ मिलकर इनका चेकअप कर लेते हैं। सही बात है। आइए। नहीं मैं फिर बाद में बात। अरे डरिए मत, आइए। एक से भले दो। एक से भले दो देवा। आप चेकअप कर लेते हैं। आइए आइए भीड़े जी आइए। लेट जाइए। हाँ खोलिए। ये वाली। मुखोलिए मुखोलिए। जोर सांस अंदर लो। सांस कैसे अंदर लो मुखोलने के बाद? अरे खांसी है मैं। जोर से सांस लीजिए और। अरे वाह इसमें से तो कुछ अजीब अजीब आवाज आ रही है। हाँ मुझे भी अजीब आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब वो धड़कन है। ओ अच्छा याद दिलाया। ठीक है चलिए। ठीक है चलिए, चिंता की कोई बात नहीं, अभी दवाई दे दूंगा और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। ये लीजिए ये दवाई मेरी तरफ से और ये मेरी तरफ से। अरे डॉक्टर साहब ये दोनों तो अलग अलग दवाइयां हैं। मैंने अपने हिसाब से दी है और मैंने अपने जजमेंट से। तो मुझे कौन सी दवाई लेनी है एग्जैक्टली? आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए और कॉइन का टॉस कर लीजिए। सही बात है। क्या बोल रहे हैं आप? अरे भिड़े भाई टेंशन मत लीजिए, आप एक काम कीजिए, पहले 3 दिन बड़े भाई की दवाई लीजिए, फिर भी ठीक ना हुआ तो बाकी के 3 दिन मेरी दवाई ले लीजिए, और फिर भी ठीक ना हुआ तो आप बड़े भाई की वेट कर लीजिए, हाथी भाई की, वो आपको सही दवाई देंगे। सही बात है। थैंक यू। खामा का डर गए, मामूली सा जुकाम है। चाचा अगर आप फ्री हो तो आप जो मेरे लिए गिफ्ट लाए वो टप्पू सेना को दिखा देना, चलो ना। अरे बेटा हम टप्पू सेना के लिए भी गिफ्ट लाए। सबके लिए? हाँ गोकुल धाम में आकर टप्पू सेना का कोई भूल सकता है? सही बात है। कमांडिंग फर्स्ट फ्लोर पे आउट। पिंकू डाला मारा। पिंकू आउट करना यार। वो फ्रेंड। अरे गोली कहाँ मार तू? मेरे चाचा जी के साथ। हाय अंकल। हेलो। अरे फ्रेंड्स
मेरे चाचा जी तुम सबके लिए गिफ्ट लाए। ये लो बेटा। लेकिन अंकल ऐसे बॉल तो हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन ये आम बॉल नहीं है, इसे रात को उछालने से अंदर से लाइट जलती है। थैंक यू अंकल, थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। और पता है फ्रेंड्स, जब तक मेरे पापा नहीं आते तब तक मेरे दोनों चाचा जी यहाँ ही रहेंगे मेरे पास। ये अंकल चलो क्रिकेट खेलते हैं। दुकान बुकान बंद करके भारत दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं, चलते चलते। जब मेरा वजन तेरे जितना हो जाएगा तभी वापस लौटेंगे। तेरा ख्याल अच्छा है। अगले महीने वो बचाओ गांव में नागजी की बेटी जयश्री की शादी है, एक काम करते हैं, और टप्पू और बहू को बचाओ गांव ट्रेन से भेज देंगे और हम दोनों बचाओ गांव चल के जाएंगे। चल के? अरे बापूजी मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। टप्पू गोला वाला, टप्पू तुम्हें गोला खाना है? चलो चलो, टप्पू का मन हो रहा है तो गोला खाते हैं। अच्छा, टप्पू का मन हो रहा है, चल टप्पू बेटा। नहीं नहीं पापा, टीचर ने बाहर का खाने से मना किया। अरे होता ज्यादा खाने से मना किया होगा, कभी कभार एक आध बार खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और वैसे भी यार भोलू गोला वाला बहुत बढ़िया गोला बनाता है। आप उसे जानते हैं? अरे अपनी दुकान से टीवी लेके गया है, तब मैं कभी कभार इधर से निकलता हूँ तो खा लेता हूँ उसका गोला। आओ बढ़िया बढ़िया मजा आएगा। चलो ना भाई, चलो। समय एक मिनट है भाई। क्या बोलो? अरे जगह से खाई आई, पूरे परिवार के साथ आए हैं? हाँ पूरे परिवार के साथ है। बढ़िया फर्स्ट क्लास चार स्पेशल गोला बना। हाँ जी जी जी। नमस्ते बाबू जी। नमस्ते। नमस्ते भौजी। और छोटू? मेरा नाम छोटू नहीं, मेरा नाम टप्पू है। हाँ हाँ टप्पू, बढ़िया गोला बना के खिलाता हूँ। जेठा सेठ तो महीने में 20 दिन यही गोला खाने आते हैं। है? ए भाई मतलब साल में 20 दिन। हाँ हाँ Thank you.
पहले हम लोग छोटे थे तभी ऐसे ऐसे बनाते थे ना लाडवा ऐसा बर्फ का, अभी सीधा ग्लास में डाल देते लो टप्पू बेटा। एक ये लो दे। अरे अब्बू जी लो जी का सेट ला। भाई आपने तो बहुत बढ़िया गोला खिलाया है, आप एक बार हमारे घर पर आइए, आपको गुजराती थाली खिलाऊंगी। जरूर भाभी, आपके घर गुजराती खाना खाने आएंगे, पूरे परिवार के साथ आएंगे। अरे पूरा परिवार क्या बोलता है, तू और तेरा भाई दो लोग तो है। नहीं जेठा सेठ, पिछले हफ्ते मेरी बीबी, मेरे तीन बच्चे, मेरे छोटे भाई की औरत, उसके चार बच्चे, माता जी बाबू जी सब आए हैं। अगले हफ्ते आपके घर आएंगे खाना खाने ना, तो सबको मिलवा देंगे। मतलब पापा कुल मिला के 13 मेंबर। कितना हुआ, एक मिनट पकड़ तो जा। 40 रुपए। चलो भाई, चलो चलो रास्ते में चलते चलते गोला खाते हैं। जेठा सेठ तो आते रहते हैं, आप लोग भी आते रहिएगा। आएंगे आएंगे, चलो चलो जय राम जी चाचा जी, जय राम जी। चलो पापा, याद है अब शादी के बाद अहमदाबाद आए थे और हम कांकर तालाब घूमने गए थे, और कांकर के किनारे किनारे हम लोग इसी तरह गोला खाते खाते चल रहे थे हैं? और वो भी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर। और आप मुझे प्यार से दया रानी कहते थे। और तू भी तो मुझे राजा जी कहती थी। राजा जी, सॉरी राजा जी। मजा आ गया राजा जी सुन के दया रानी। अरे ये बबू चाट, ये क्या किया, बहू का गोला नीचे गिरा दिया। नहीं नहीं बाबू जी, मुझे ही गोला नहीं खाना था तो मैंने ही फेंक दिया। अरे मम्मी फेंका क्यों, मुझे दे देना था। टप्पू बेटा, तुम्हें टीचर ने ज्यादा बाहर का खाने से मना किया है ना। अरे वाह दया, तू तो एकदम हाजिर जवाबी है बिरबली। मामला एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से संभाल लिया तूने। थैंक यू जहां पना बब्बर। बब्बर नहीं अकबर। हाँ वही। ले ले ये गोला तू खा। नहीं नहीं आप खाइए ना। अरे खाना मैं तो रोज खाता हूँ, तू कभी खाएगी? मतलब मैं तो आता जाता खाते ही रहता हूँ। ले ले, ले। टप्पू के पापा सच में आज मुझे सगाई के बाद हमारे जीवन का बेस्ट बैड समय याद आ रहा है। मैं भी वो याद करके बहुत खुश हो रहा हूँ अंदर ही अंदर। अरे ज्यादा खुश मत होइया, मेरी माँ कहती है कि ज्यादा खुश होने से किसी की नजर लग जाती है। अरे कुछ नहीं होता। वैसे दया, ये सगाई के बाद के पल याद दिला करके तूने अभी मुझे एकदम रोमांटिक कर दिया। जी करते है तेरे गाल पे छोटी सी पप्पी दे दूँ। अरे मैंने बापू जी है तो बहुत आगे चल रहे हैं, एक छोटी सी। नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं, पता भी नहीं तो लगा से छोटी सी ऐसे। नहीं नहीं, लेकिन ऐसे खुली सड़क पे कोई नहीं देख रहा है, पता भी नहीं चला। देख नहीं नहीं, एक काम कीजिए, आप इस गोले को मेरा गाल समझ कर पॉपी कर लीजिए। लुच्ची। चल ठीक है ला। ऐसा हुआ क्या, वो लगा? हाँ। देखो क्या क्या अंकल आंटी, शर्म घर पे ही छोड़ के आए हो क्या? ए अंकल लगा तेरा, गोला फेंक के मारो क्या? किधर गया गोला? क्या हुआ जेठिया? कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं, चलिए चलिए ठीक है चलो।
ले थोड़ा सा गोला खाया उसमें तो खांसी हो गई तुझे। सच में आंटी हो गई है तू। अच्छा आंटी फिर आना पप्पी लेना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई। कोई मजाक मजाक नहीं, मैं सब समझती हूँ। अरे सच में बाबा मजाक कर रहा था ये अंकल। मैं भी मजाक कर रही थी। अरे क्या हुआ? सेल 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 खुशियों की सेल, भारी डिस्काउंट पे खुशियों की सेल। आपकी खुशियां बढ़ाने के लिए खर्च सिर्फ 30-40 रुपए। चौंक गए ना, लेकिन यही हकीकत है। तनाव दूर करने का हमारे पास एक तरीका है। अपने परिवार के साथ थोड़ी देर घूमने जाइए, आइसक्रीम खाइए, गोला खाइए, मन बेहद प्रफुल्लित हो जाएगा। जैसा इस वक्त गड़ा परिवार का मन प्रफुल्लित हुआ था। भाई खुशियों के लिए बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत थोड़ी है। कई बार हमारे पास मन को खुश रखने के लिए, टेंशन दूर करने के लिए बहुत आसान और सस्ते उपाय होते हैं, लेकिन हमारी नजर ही नहीं पड़ती। आपकी नजर पड़नी चाहिए। निकलिए, बुजुर्ग बुजुर्ग, बच्चे, सारे लोग खुश हो जाएंगे और पति पत्नी फिर से रोमांटिक हो जाएंगे। भाई इस वक्त खुशियां है। गोली अपने चाचाओं को देख के खुश है, चाचा लोग टप्पू सेना के साथ खेल के खुश है, भाभी और जेठालाल दोनों साथ में गोला खा के खुश है। लेकिन गोकुल धाम का तो आप जानते हैं ना, खुशियों की यहाँ पे आंख मिचौनी चलती रहती है। गोकुल धाम की किस्मत बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह है। अगर खुशी एक चाल चलती है तो टेंशन दो चाल चल देता है। अब यहाँ पे अंततः भले जीत खुशियों की होती हो, लेकिन जब तक ये टेंशन का खेल चलता रहता है ना, तब तक हंगामे बेहद होते हैं। अब क्या होगा आगे, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। खुशियों की एक चाल होगी या टेंशन की डबल चाल होगी, भाई कितनी भी चाल हो, हाल हर हाल में एक ही होगा, हंसने का। हंसते रहिए और देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.